हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके क्लियर आरएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1। ओके, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं काम की। देखो, अभी तक मैंने आपको ये सब मैं नहीं कराया, ये टेक्नोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस मैंने आपको अपडेट कराए हैं। इसके बाद मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया है और मैंने आपको क्रोनोलॉजी कराया है। ठीक है, ये तीन प्लस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद में जो बाकी जो लेक्चर्स होंगे, बाकी सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स होंगे, वो दूसरे आरएएस सर द्वारा डाले जाएंगे और मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बस फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो समय का अभाव है और ऊपर से जो है यूपीएससी को भी देखना होता है, तो इस चक्कर में मैं उसी तरीके से लिमिटेड होके, बट यहाँ पर मैं मेरा जो है 100% देने की कोशिश करूंगा। इसकी बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक की। इसमें मैंने आपको बाकायदा हर चैप्टर के मैंने नोट्स अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, रक्षा क्षेत्र के आई थिंक अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि जब वो अपलोड मैं करूंगा ना उनको, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर्स जो एक साथ हैं, जैसे आपने सुना वो कार्बन के अपर रूप हुए, संक्षारण, इरोजन, इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, वो सारे चैप्टर्स की ना एक साथ की पीडीएफ है और वो मैंने हर चैप्टर में डाल दी है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। बात आती है दूसरी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में मैं आपको डेली के मुद्दे करा दे रहा हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, या फिर वो राजस्थान के हों। ठीक है, इन तीनों को मैं करा दे रहा हूं। इनके किसी के भी आपके लिए नोट्स नहीं मिलेंगे, या आप सुनोगे, आपको वहां पे मैंने इतने ढंग से लिखा है कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। और दो डेली जो है, दो दो तीन तीन चार चार मैंने लेक्चर पर डिस्कस कराए। तीसरी बात आती है क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी के लिए, क्योंकि जो पेपर जो है, देखो क्रोनोलॉजी का और करंट अफेयर्स का सीन ऐसा होता है, करंट अफेयर थोड़ा आरएएस वेस्ट ज्यादा है, आरएएस वेस्ट और फर्स्ट ग्रेड के लिए समझ लीजिए आप। और ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये आपके लिए सारे एग्जाम्स में, बच्चे सारे एग्जाम्स देते हैं, जैसे रीट में भी दे दिया, फर्स्ट ग्रेड दे दिया, सेकंड ग्रेड भी दे दिया आपने, थर्ड ग्रेड भी दे दिया और आरएएस भी, इनमें से किसी भी पेपर में इसकी कमी आपको नहीं दिखेगी, इसकी क्रोनोलॉजी की। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी को मैंने मेरे हिसाब से डिस्कस कराया। उसमें कुछ फालतू की जो है न्यूज रहती है, जैसे भाई ये फोर्ब्स वगैरह की आती है, कौन सा सेलिब्रिटी टॉप पे रहा, उन सबको हमें हटा देना चाहिए। फिर क्या, हर छोटे से छोटे खेल से वो जुड़ी रहती हैं, जो राजस्थान में हुए होते हैं या फिर भारत में होते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा गौर नहीं करना है, क्योंकि जितने सवाल जिस तरीके से आते हैं उस सवाल पे चलो। हमेशा आप स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो। स्मार्ट स्टडी पे यदि आप फोकस करते हो, तो शायद फॉर्चुनेटली जो है आप भी शायद एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, तो मैं बताता रहता हूं। अब ज्योग्राफी के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आज हम ज्योग्राफी का पहला लेक्चर करेंगे। ज्योग्राफी में, जहां तक ज्योग्राफी का सवाल है, पिछले साल जो है ये आरएएस 2016 जब दिया गया था, तो उसमें 70 मार्क्स की आई थी, तो हो सकता है अब की बार भी ये 70 मार्क्स की आए, या फिर मिनिमम जो है वो 60 मार्क्स की रहेगी रहेगी। अब इसके सिलेबस में ना आपको क्लियर दिख जाएगा कि भाई सवाल कहां कहां से आने वाले हैं। ये जो हम यहां पे ज्योग्राफी कराएंगे ना, वो पूरा का पूरा एकदम बेस से लेकर और टॉप तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे क्या होगा ना, कि कभी हमसे यदि कोई और बोले ना कि सर वो चीज उसमें नहीं रहा, या फिर आरएएस के लिए प्रीलिम्स वाले बच्चे, देखो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना, वो कभी भी प्री और मेंस का सिलेबस नहीं होता। इसमें एक ही साथ में जो दोनों दोनों चलते हैं, आपको छोटी छोटी बातें पकड़नी होती हैं और वो आप लोगों को डाल देनी होती है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में कि भाई मेंस के लिए कोई बहुत तगड़ा कोई सवाल बनता हो, वो हल्की हल्की बातें ही रहती हैं। अब ऐसे ही पूछ लेगा वो, राजस्थान में साक्षरता का जो है स्तर है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है और जो है कौन से राज्य में सबसे कम है। अब इसमें ये तो क्या हुआ, ये तो प्री का भी वही रहा, मेंस का भी वही रहा। 2016 में जैसे सवाल आया था, आपने देखा होगा कि महिलाओं की साक्षरता कितनी है और पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो अब वो प्रीलिम्स का ही सवाल है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ज्योग्राफी में ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं बनते। एक सवाल आया था जनजातियों के ऊपर कि वो जनजातियों की जो है आर्थिक और सामाजिक, दो जनजातियां थी, आई डोंट रिमेंबर नाउ, तो उन जातियों की जो है आर्थिक और सामाजिक विशेषताएं बताइए। अब इसमें बताइए इसमें क्या कुछ ऐसा था, वही का भाई जो प्रीलिम्स में रहता है वही इसमें था, मेंस में भाई सामाजिक विशेषताएं जो आपने अलग अलग करके याद कर रखी होंगी प्रीलिम्स में, वो एक साथ बस लिखनी थी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा में खनिज संसाधन, अब वो आपसे यहाँ पूछ लेगा कि भाई राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। अभी ऊर्जा खनिज आपने यहाँ देखा, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे कोयला पाया जाता है, कहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है, कहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो वही प्रीलिम्स में हम देखते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जाएगी और उसी हिसाब से हमको पढ़नी चाहिए। छोटी छोटी बातें क्या होता है ना, मेंस में जब डाल देते हैं ना प्री की छोटी छोटी बातें, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सेकंड बात,
इसमें हम डिस्कशन कैसे करेंगे चैप्टर का सिलेबस वाइज वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चीज इसमें क्या है ना कि कुछ बच्चे क्या है कि अब जैसे हम राजस्थान में रहे हैं शुरू से, तो हमें क्या छोटी मोटी चीजें बहुत याद रहती हैं, जैसे भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अब मैंने आपको बताया जैसे 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, मैंने आपको ये बताया, और किसी बुक में लिखा हुआ है 240 किलोमीटर लास्ट में। तो आप उस पर संकोच ना करें, इतने ज्यादा डेटे पे आप फोकस ना करें। ये सब डेटम्स जो होते हैं ना वो हर बुक में अलग 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 हो सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी बेस्ट मिले, लेकिन छोटा मोटा कोई डेटा जो है वो रह जाए तो आप ऐसे ना समझें कि वो सर से रह गया आता नहीं है, वो क्या मिस हो जाता है। राजस्थान का शुरू का जो स्पेशली जो शुरू का जो हिस्सा है वो ऐसा है कि उसमें इतने सारे डेटा में कि आप बस एक हो सकता है आप कहीं पे भी उसको जो है मिस कर सकते हो। तो आप मेरे को कॉपरेट करके और मेरे साथ चलें, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बीटेक रहा है, तो ज्योग्राफी जो है और ये साइंस एंड टेक ये मेरे एक फेवरेट फोकस में से एक रहे हैं आरएएस के लिए, तो इसीलिए। और फिर करंट अफेयर्स तो आप जानते ही हो कि हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ता है सिस्टम से, प्लस आप यदि और ऊपर हायर लेवल का सोच रहे हो यूपीएससी वगैरह के लिए तो आपको आता ही है, तो इसलिए मैं इन सब्जेक्ट्स को ले रहा हूँ। बाकी आरएएस टीचर्स जो होंगे वो दूसरी सब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है। होपफुली हम लोग जल्दी से जल्दी आपकी राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान हिस्ट्री ये हम शुरू कराएंगे, क्योंकि वो क्या है सब बच्चों के लिए एक समस्या भी है और सब बच्चों का निदान भी है। उसको आप पढ़ लो तो बड़ा कॉन्फिडेंस हाई होता है, भले ही कम नंबर की आती हो राजस्थान हिस्ट्री, भले ही कम नंबर की आती है लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। तो इस चक्कर में, और फिर राजस्थान पॉलिटी तो आती आती है, पूरा आरएएस का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का पेपर, ये सब भरे रहते हैं उनसे, ये सब करेंगे। और फिर ना एक चीज और करेंगे, इकोनॉमिक रिव्यू जब आएगा ना तो इकोनॉमिक रिव्यू की काम काम की बातें हम खुद डिस्कस करेंगे यहाँ पे, चाहे मैं कराऊं चाहे दूसरी आरएएस फैकल्टी कराएगी, तो इस तरीके से चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो नए लेक्चर्स होंगे वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे काम की बात पे, इसका सिलेबस क्या क्या है ना ज्योग्राफी का। तो जैसा इसमें देखिए, पहला वाला दिया हुआ प्रमुख भौतिक भूआकृतियां, फिजिकल फीचर्स में इसमें दिया हुआ पर्वत पठार मैदान नदियां झीलें। तो देखो पर्वत पठार मैदान, जब हम राजस्थान का जब भौतिक विभाग पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर दिए जाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश। यहां से एक सवाल जो है वो बनता है 10 नंबर का, प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश यहां से 100% आएगा, चाहे वो आपसे पूछ ले अरावली की विशेषताएं पूछ लेगा, चाहे वो आपसे पूछ लेगा रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषताएं, या फिर अति आर्द्र क्षेत्र कौन से उनके बारे में पूछ लेगा, हाड़ौती वाले के बारे में, इस तरीके से वो यहां से 10 नंबर का सवाल बनता है। ये एक टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है खनिज संसाधन, पक्का 100% आएगा। लेकिन खनिज संसाधन पे उम्मीद ऐसी लगाई जाती है, हम लोग ऐसे तैयार करके चलते हैं कि ये जो खनिज संसाधन में जो आएगा ये ऊर्जा खनिजों से आएगा, क्योंकि राजस्थान जो है ऊर्जा खनिजों में बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। प्लस इसको हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत जो है करंट वेस्ट भी कर दे, इसमें करंट का स्कोप रहता है, इस वाले में कोई करंट का स्कोप ही नहीं है, तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा करंट के साथ रिलेट करके पढ़े आप, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है जनसंख्या और जनजातियां, खनिज संसाधनों में अलग अलग करके दे दिया, धातु को अलग दे दिया है, नॉन मेटल वालों को अलग दे दिया है, ऊर्जा को अलग अलग दे दिया है, तो इन सबको हम एक साथ में करेंगे। ये इन चैप्टर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, आरएएस वाले प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश, खनिज संसाधन वगैरह, फिर ऊर्जा संसाधन पे, और प्रमुख जातियां ये जो जनजातियां वगैरह ये तो सब हो जाएंगी, राजस्थान कल्चर में भी हम लोग इसको पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक और इसका सिलेबस का मामला। सिलेबस जो है मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी सारी चीजें आप लोगों को बता दूं, और क्योंकि समय का अभाव रहता है और फिर जब मैं यदि जल्दबाजी करूं तो यहां पे मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए इसकी जो ज्योग्राफी की जो किताबें होती हैं या फिर ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं ना, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के पास अवेलेबल ना हो, सबके पास होंगे, हो सकता है वो उनको पढ़ नहीं पा रहा हो, समझ नहीं पा रहा हो, तो मैं आपको ज्योग्राफी के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, आपको वीडियो सुननी होंगी और जब मेरे पास टाइम मिलेगा फिर उसके बाद में हम ज्योग्राफी के नोट्स भी डलवा देंगे, ठीक है। मेरे वाले नोट्स जो हैं मैंने खुद ने जो बना रखे वो हम डलवा देंगे, ठीक है। अब आते हैं काम की बात पे, ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 1। देखो अब सबसे पहले बात आती है राजस्थान की, ये राजस्थान को हमें कैसे पढ़ना है या फिर कैसे देखना है। तो सबसे पहले बात आती है भाई राजस्थान बना कैसे, भाई राजस्थान बनाना है जैसे अपना अपना इंडिया बना है ऐसे राजस्थान भी बना होगा, तो राजस्थान कैसे बना है। देखो इंडिया और राजस्थान का बनने का जो प्रोसेस है ना वो लगभग एक जैसा है। मैं आपको यदि बताऊं तो थोड़े से पीछे चलते हैं, 25 से 30 करोड़ साल पहले चलते हैं, ये थोड़ा सा पीछे नहीं है, काफी पीछे है, ठीक है। 25 से 30 करोड़ साल पहले क्या हुआ है कि हमारी जो ये इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिफेरस युग, ये आप
इंडियन पॉलिटी सॉरी इंडियन ज्योग्राफी का जब पहला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें यही बताया जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा भाई अर्थ जो है वो कैसे कैसे इवोल्यूट हुआ है, पूरा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के नाम से पूरा पूरा एक चैप्टर है, उसमें समय सारणी दी हुई है पूरी टाइम टेबल कि भाई कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, ट्रियासिक युग क्या होता है, ये सब उसमें दिए हुए हैं, वो आपको ठीक से बताए जाएंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान में रखें, कार्बोनिफेरस युग जो है वो कब था, 25 से 30 करोड़ साल पहले था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये पूरा अपनी जैसे हम बोलते हैं ना, ये पूरी पृथ्वी ऐसी है, ये पूरी पृथ्वी ऐसी है ना, तो पृथ्वी जब ऐसी है तो जो लैंड का जो हिस्सा था एक्चुअली पहले स्थिति 25 से 30 करोड़ साल पहले से भी पहले की स्थिति ये थी कि दो हिस्से टूट गए थे बस ऐसे करके, ये हो गया लैंड और ये हो गया पानी वाला हिस्सा वाटर, ये था। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बोनिफेरस युग में लैंड के साथ क्या हुआ, इस वाले हिस्से के साथ में क्या हुआ, इसको हम लोग बोल देते हैं पेंजिया, और इसको क्या बोल देते हैं वाटर वाले हिस्से को पैंथालासा। तो पेंजिया के साथ में क्या हुआ कार्बोनिफेरस युग में, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो दो हिस्सों में टूट गया ऐसे करके टूट गया, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने अंगारा, और इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने गौड़वाना। ठीक है, तो जो अपना इंडिया है वो जो इंडिया है वो गौड़वाना का हिस्सा है। धीरे धीरे ये जो अर्थ में काफी सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, कन्वेक्शन करंट वगैरह लग रहे होते हैं या फिर और भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह होते हैं, उसके कारण क्या हुआ, ये जो गौड़वाना वाला जो हिस्सा है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। पहले स्थिति ये थी, इस वक्त की स्थिति बताता हूं मैं आपको क्या थी। ये जो हिस्सा था ये जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली, तो ये जो गौड़वाना लैंड था ना ये वाला नीचे के हिस्से में इसमें आता था, लेकिन समय के साथ में क्या हुआ ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर भी आया है। तो ऊपर वाले हिस्से में कौन आता है, अपना इंडिया आता है। ठीक है, अपना इंडिया आता है। तो इसमें ये गौड़वाना लैंड में जब इंडिया पूरा आ रहा है तो हमारा राजस्थान भी ना इसी का हिस्सा है, तो राजस्थान क्या हुआ, राजस्थान भी गौड़वाना लैंड का हिस्सा हुआ। तो मैंने आपको यही बताया राजस्थान जो है सॉरी 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 गौड़वाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है ये टेथिस सागर क्या लिखा हुआ है। अब देखो जब पृथ्वी जब ये कब की बात हो रही थी, कार्बोनिफेरस युग की बात हो रही थी 25 से 30 करोड़ साल पहले। अब फिर स्थिति क्या हो गई है, जैसे ये सपोज इंडिया है, मैं पूरा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये जैसे इंडिया है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है अभी देखिएगा ये पूरा का पूरा किस क्या बोल दे रहे हैं, गौड़वाना बोल दे रहे हैं। अब इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है ना कंप्लीट, ये जो क्षेत्र था या फिर हम कह सकते पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अभी भी क्या है, अभी भी यहां पे क्या है टैथिस सागर है। तो क्या होता है ट्रियासिक काल में, हमारा हिमालय कब बना था, ट्रियासिक काल में। ओके, तो ट्रियासिक काल में क्या होता है कि यहां पे बदलाव होते हैं टैथिस सागर पे, और टैथिस सागर की जगह पे क्या निकल के आता है, टैथिस सागर की जगह पे हमारा ये पूरा पूरा क्षेत्र इधर बनता है हिमालय, और इधर की साइड में क्या बनता है ये पूरा का पूरा क्या बनता है मरुस्थल, राजस्थान में, राजस्थान में थोड़ा पाकिस्तान का भी है वर्तमान। तो ये वाला क्षेत्र जो बना ये किससे बना, टैथिस सागर से बना है, ये पूरा पूरा जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे राजस्थान जो है टैथिस सागर का हिस्सा, टैथिस सागर कब आया था, ट्रियासिक काल में आया था। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब बात करते हैं कि इनसे कौन कौन सी आकृतियां बनी। तो आकृतियां अब जो बनी है वो बनी है इससे, देखिए गौड़वाना लैंड से सबसे पहले आकृति कौन सी बनी थी, इससे बने थे हमारे पर्वत। अब पर्वत में कौन सा पर्वत बना था आपको पता ही है, अरावली पर्वत। ठीक है, पर्वतों में कौन सा बना है सबसे पहले, या गौड़वाना लैंड से क्या क्या बने, पर्वत बने। अब पर्वत में कौन सा बना, अरावली पर्वत बना। अब जब ये अरावली पर्वत बनता है तो अब अरावली जो है धीरे धीरे इरोड होने लगा, और जब इरोड होने लगते हैं तो इसका क्या है, पर्वत क्या होते हैं, पर्वत हमेशा नुकीले होते हैं टॉप पे जाके, ऐसे है ना, नुकीले होते हैं टॉप पे। तो ये पर्वत का जो हिस्सा है ना ये ऐसे जब इरोड होने लगा, अपरदन जब इसका होने लगा तो ये ऐसे करके होने लगा, तो इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे पठारों का भी विकास होने लगा। ठीक है, सबसे पहले कौन बना, पर्वत, फिर पठार। अब क्योंकि ये घटना कौन सी हुई है, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से पे हुई है। अब टैथिस सागर का जो बदलाव ट्रियासिक काल में आने वाला है उससे क्या बना, सबसे पहले मरुस्थल बना, मैंने आपको बताया ये थर्ड पे बना।
और फिर क्या बना उसके बाद में, मरुस्थल के बाद मैदान, ये चौथे पे बने। तो मैं यदि इसकी बात करता हूं, ये वाले हिस्से किससे बने, तो ये वाले अपने बने गॉडवाना लैंड से, ठीक है। और ये वाले हिस्से अपने किससे बने, ये वाले अपने किससे बने, कैथी सागर से। तो आपसे यदि कोई पूछे कि राजस्थान कौन से लैंड का हिस्सा है, तो आपको उसमें बोलना है गॉडवाना लैंड का, अंगारा नहीं बोलना है, ठीक है। और कौन से जलीय भाग का हिस्सा है, तो उसमें क्या बोलना है आपको, टैथिस सागर, ठीक है। और यदि कौन यदि आपसे मेंस में पूछ लेता है भाई राजस्थान कैसे बना है, तो आपको बोल देना है गॉडवाना लैंड प्लस टैथिस सागर वाला जलीय भाग, इन दोनों से किसकी उत्पत्ति हुई है, राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। तो जब इन ये दोनों भागों की जब क्रियाकलाप हुए, तो उसके बाद में हमारा जो राजस्थान का नक्शा है ना, वो पूरा वो सामने आता है हमारे, ठीक है। अब नक्शा देखो, नक्शे में मैं थोड़ा कम ड्रॉ करता हूँ नक्शा, क्यों क्या ये मार्कर से क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पेन से तो क्या बड़ा आसान रहता है। तो आप लोग या तो कमियां ना निकालें उस नक्शे में, या फिर आप जो है मुझे बता दें कि आप भाई खुद ही रख के बैठ जाएं ये नक्शा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, मुझे बस ऐसे ही आता है ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा जो राजस्थान जो है, ये जो कंप्लीट राजस्थान है, ये राजस्थान जो बना है वो किस किस से बना है, इन दोनों से बना हुआ है, गौड़वाना लैंड से और टैथिस सागर से बना हुआ है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आती है। अब कुछ फालतू की बात देखो, ये मैंने बता दी, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये गौड़वाना लैंड से बने थे और ये टैथिस सागर से बने थे, ठीक है। अब आते हैं स्थिति पे, अक्षांश और देशांतर की स्थिति क्या है। अक्षांश में जो यदि मैं बात करूं, ये राजस्थान का ये रहा मैप, और ये जो अक्षांश की मैं बात करता हूं, तो राजस्थान का जो है ना, हमेशा देखो उत्तरी अक्षांश किसको कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश किसको कहते हैं, ये यदि आपकी पूरी पृथ्वी है, और ये मैं आपको एक टिपिकल परिभाषा जो वास्तव में किताबों में लिखी रहती है वो बता दे रहा हूं। अक्षांश किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं, देशांतर को, देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्या, लॉन्गिट्यूड। अब देखो देशांतर, इसके अक्षांश की परिभाषा क्या होती है, विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से या फिर 0 डिग्री से, और किसी भी उसकी जो कोणीय दूरी होती है ना, ये जो कोणीय दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसको हम लोग बोल देंगे हमेशा अक्षांश, ठीक है। जैसे सपोज 23.5 है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं ना, इसको क्या बोल देंगे, ऐसी करके सेम, जैसे मुझे सपोज ये वाला मेजर करना है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो रहेगा एंगल, ये क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो भी है ऐसा नहीं है। तो अक्षांश की परिभाषा क्या हुई, विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होती है उसको क्या बोल देते हैं, अक्षांश कह देते हैं। और ऐसे देशांतर में क्या कह देंगे, देशांतर में इन सब की जगह किससे बात करेंगे हम, ग्रीनविच रेखा से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही बोलते हैं 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री समय की रेखा यही मानी जाती है ना, तो ग्रीनविच रेखा से जो कोणीय दूरी होगी, जैसे ये हो गई एक कोणीय दूरी, ठीक है, ये वाला देशांतर हो गया। फिर एक मैं यदि यहां खींचना चाहूं तो एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा से जो दूरी रहेगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, देशांतर। अब बात करते हैं काम की, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या, देखो राजस्थान का याद कर लेना इसको, मैंने तो सीधा रट रखा है, 23:03 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपना 69 डिग्री 30 मिनट से लेके और 78 डिग्री 17 मिनट, ओके, ये अपना हो गया पूर्वी। तो अब इसका अक्षांश आपसे पूछेगा कैसे, अक्षांश हमेशा जो होते हैं ना, ये देखिए जब मैं अक्षांश की बात करता हूं, तो अक्षांश हमेशा पृथ्वी को दो भागों में ऐसे बांटते हैं, ऊपर वाले को बोल देते हैं उत्तरी और नीचे वाले को बोल देते हैं दक्षिणी, ठीक है। ये कौन करता है, अक्षांश करते हैं ऐसा। अब बात करते हैं हम देशांतर की, तो देशांतर क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी को ऐसे बांटते हैं, इसको बोल देते हैं पूर्वी और इसको क्या बोल देते हैं पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ओके। यदि मैं इन दोनों को मिला करके बोलता हूं, तो मुझे कुछ ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा, तो राजस्थान की स्थिति आपको कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कोई दिक्कत, पूर्वी ये यहां से ले लिया, पूर्वी उत्तरी यहां से ले लिया, और राजस्थान क्या है, पूरा पूरा जो इंडिया है ना वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या बताया आपको, अक्षांश और देशांतर ये विस्तार बताए। अब मैं आपको इनके पॉइंट्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे, ये वाला जो मैप है ना, आप इस ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे रूपरेखा जो बना रखी है, इस रूपरेखा को आप यूं की यूं रट लेना, नहीं तो आप इस यदि ये डायग्राम नहीं रहेगा ना, तो
कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्जाम से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि आप पूरा रिवाइज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉर्नर्स की। इन कॉर्नर्स के इनके ये कौन कौन से पॉइंट्स किए, कौन कौन से हैं। तो ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये चार जो हैं इनके मोस्ट पॉइंट्स हैं जहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, बोरकुंडा। कौन से उसमें, ये जिले में, बांसवाड़ा में। ओके, ठीक है। ये वाला कौन सा है, कोड़ा। ये किस में आता है, गंगानगर में। ओके, ये क्या है, कटरा, जैसलमेर। और ये कौन सा है, सिलाना। ये क्या है, धौलपुर में। ये आपको याद में रखने, ये पूछ लेते हैं बोलो कि भाई ये कौन, ये पॉइंट्स जो है कहां कहां पे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको यदि याद करने में दिक्कत आ रही हो ना, तो कपड़ा जो है काटा यहां गया है और सिला कहां गया है, धौलपुर में। ठीक है, ये मेरे सर ने भी मुझे बताई थी, तो मैंने भी इनको ऐसे याद किया था, अच्छे तरीके से याद भी रहे। और ये क्या है, बोरकुंडा और कोड़ा। ठीक है, ये आपको याद रहने चाहिए, गंगानगर का और बांसवाड़ा का। ओके, फिर हम अगली बात करते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है, इनमें से कौन सी ज्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूं, अक्षांश जो है ना, ये जो मैंने बना रखा है, ये 826 किलोमीटर है और ये 869 किलोमीटर है। ठीक है, अक्षांश विस्तार कितना है राजस्थान का, 826 किलोमीटर, ऐसे करके 826 किलोमीटर है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये वाला 869 है। ठीक है, ये वाला देशांतरीय विस्तार, ये भी हो गए, कॉर्नर्स भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। राजस्थान में जो कर्क रेखा है ना, वो कहीं यहां से, यहीं से पास होकर के जा रही होती है। कर्क रेखा राजस्थान को सिर्फ छूकर के जाती है। तो अभी यहां पे जिला कौन सा रहेगा, ये तो आपको आता ही होगा, बांसवाड़ा। और ये गांव कौन सा पड़ता है यहां पर, जो भी क्षेत्र पड़ता है वो है कुशलगढ़ नाम का एक क्षेत्र। ठीक है, अभी करंट में भी रहा था ये, आपको पता हो तो, कुशलगढ़ नाम का क्षेत्र है। देखो, ये सबसे अच्छी बात यह ज्योग्राफी की क्या है ना, ये थोड़ी बहुत आपको पहले से पता है। तो मैं यदि इसमें स्लो चलूंगा ना, तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या आप इतने धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। लेकिन आप काम की बातें भी सुनते चलना, और आप कहोगे तो मैं मेरी स्पीड फास्ट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कर्क रेखा पे, कर रहे थे कर्क रेखा पास कहां से हो रही है। अब थोड़ा बहुत इस कर्क रेखा के बारे में देख लो। देखो, ये जो है इसका जो सबसे बड़ा जो दिन होता है ना राजस्थान में, राजस्थान में क्या, पूरे इंडिया में 21 जून को मनाया जाता है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो इंडिया हो, पूरा 21 जून को रहता है। अब 21 जून को क्यों रहता है, क्योंकि 21 जून के दिन हम लोग, ये जो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो हमारी पृथ्वी पे, और हम कहें तो भारत में, सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है और सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए हम लोगों ने इस दिन को, पता है, योग दिवस भी बनवाया था। कब बनवाया था, 2014 में प्रधानमंत्री ने जो है रिक्वेस्ट की यूएनओ में, और 21 जून और 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, योग दिवस हो गया, राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति हो गई, इसके बाद में यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं, बात करते हैं राजस्थान का विस्तार, समय ज्ञात करना बताता हूं आपको मैं। राजस्थान का विस्तार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया राजस्थान का जो विस्तार है वो क्या है, 242,239 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, किलोमीटर्स में। ओके, किलोमीटर स्क्वायर। अब काफी लोग इसको बोलते हैं कि सर हमें इसको जो है, सॉरी, ये 342,239 है, 342,239। अभी मुझे यदि इसको यदि मील्स में बदलना हो, माइल स्क्वायर में बदलना हो, तो इसको हम लोग शायद ये 132,139 माइल्स स्क्वायर है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक से मैं ये डेटा थोड़ा कम याद रखता हूं। ओके, फिर इसके बाद में बताती है, ये हो गया विस्तार। अब परसेंटेज ऑफ इंडिया कितना है इसका, देखो 10.41% है राजस्थान किसका, पूरे इंडिया का। ठीक है, पूरे इंडिया का कितना है, 10.41% है। अब बात करते हैं कि ये क्या राजस्थान की वैसे स्थिति क्या है। देखो, राजस्थान जो है इसका भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है। राजस्थान के बाद में कौन सा आता है, फिलहाल एमपी आता है। ओके, फिर उसके बाद में कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है। ये आपको काम की चीज है, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, पहले पे कौन है, राजस्थान। कब आया था राजस्थान पहले पे, आई थिंक 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, एमपी का विभाजन हुआ, तो क्या निकल गया है उसे, छत्तीसगढ़। तो इसलिए राजस्थान टॉप पे आ गया, और एमपी जो है वो किस पे है, सेकंड पे, और फिर कौन है, महाराष्ट्र, आई थिंक फिर जो है यूपी है, फिर यूपी है। तो आपको ये वाला ऑर्डर जो है ध्यान में रख लेना है। ओके, फिर इसके बाद में देखते हैं हम
परसेंटेज ऑफ इंडिया कर लिया है, थोड़ा सा वो देख लो कौन कौन से जिले राजस्थान के बड़े हैं और कौन कौन से जिले राजस्थान के सबसे छोटे हैं। इसके बाद की काम की बातें फिर अगले लेक्चर में एक साथ में पूरा पूरा करेंगे, पूरे भौतिक प्रदेश करेंगे ठीक से। अब देखिए इसमें राजस्थान के जो चार बड़े राज्य वो जिले, वो जिले कौन कौन से हैं, वो जिलों में आपको ध्यान में रखना है सीधा का सीधा जैसलमेर, ठीक है, सबसे बड़ा है जैसलमेर, ठीक है। और यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 11.22% पूरे राजस्थान का जो है इसने क्षेत्रफल अकेले ने घेर रखा है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर, इसने कितना घेर रखा है, 0.89% मात्र पूरे राजस्थान का, ओके। अब ये जैसलमेर हुआ, इसके बाद में आता बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर जोधपुर। तो क्या होगा, JVV है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, JVV, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी ट्रिक होती है DPPP, ओके, देख लेते हैं। सॉरी, ट्रिक थोड़ा मुझे परेशान करती है, DPPP है ना, धौलपुर के बाद में हो जाता दौसा। मेरे को तो क्या ये थोड़ा फील लेकर के, मेरे को ये थोड़ा मैप के सहारे से मुझे क्या याद है, अब मुझे ट्रिक वगैरह जब बनानी पड़ती है ना तो ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत ये जो है जैसे अभी धौलपुर दौसा ये आपको ही पता होगा किस किस ऑर्डर में, तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। धौलपुर दौसा, फिर उसके बाद में आता डूंगरपुर और फिर प्रतापगढ़, है ना, ये हो गया। ये चार जो हैं सबसे छोटे जिले राजस्थान के, और ये चार जो हैं वो सबसे बड़े जिले हैं राजस्थान के, ठीक है। सबसे बड़े जिले बता दिए, सबसे छोटे जिले बता दिए। अब देख लो राजस्थान का, यदि पूरे राजस्थान की बात करता हूँ, कंप्लीट राजस्थान में यदि लेता हूँ तो उसमें स्थिति क्या है। देखो जो ब्रिटेन का ना, ब्रिटेन का जो कुल जो पूरा जो ब्रिटेन है उसका क्षेत्रफल ना राजस्थान के क्षेत्रफल से आधा है, मतलब दो ब्रिटेन में यदि एक साथ मिला दूं ना तब जाकर के क्या बनता है, राजस्थान बनता है। क्यों, क्योंकि जो है ना राजस्थान 0.24% पे आता है पूरे विश्व के, पूरे विश्व के 0.24 क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का वो राजस्थान ने ले रखा है, और ब्रिटेन जो है वो राजस्थान से छोटा है, ठीक है। दूसरी बात देख लेते हैं श्रीलंका, अब श्रीलंका से जो राजस्थान जो है वो 5 गुना बड़ा है, आपने तो देखा ही होगा ये स्थिति है और यहां पे ऐसे लटके है, ठीक है। तो ये श्रीलंका तो जो है बहुत छोटा है, कितना छोटा है, 5 गुना छोटा है। और इजराइल से राजस्थान जो है कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा, जर्मनी के जो है राजस्थान बराबर है। ये चीजें कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं किताबों में, वो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिए, मैंने इसको यहां इसलिए इंडिकेट कर दिया है क्योंकि हो सकता था मैं किसी को भूल जाऊं, तो आप भी इसको ऐसे कैसे लिख के रखें, आपको क्या फिर से बाद में याद रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समय ज्ञात करना, या फिर राजस्थान की आकृति देख लो, पहले एक लाइन की बात है, राजस्थान की आकृति आपको पता ही होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं रोम्बस अंग्रेजी में, ठीक है, या फिर क्या बोल देते हैं पतंगाकार, ओके, पतंगाकार, ये राजस्थान की आकृति को बोल देते हैं, ठीक है। एक शायद मुझे षटकोणीय चतुर्भुज या कुछ ऐसा, विषम कोणीय चतुर्भुज इसको बोल देते हैं, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज, ये एक और नाम है इसका, तो आप इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैं तो रोम्बस के नाम से थोड़े पता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब बसता सिर्फ हमारा समय ज्ञात करना, समय कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं, या फिर ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, इसको ना समय ज्ञात करने को बड़ी आसान सी चीज है, ग्रीनविच पे कितना समय और इंडिया में कितना समय, या फिर सबसे पहले हमको बात होती है कि हमें ग्रीनविच रेखा पे जाना होता है, तो इस समय को ना, क्योंकि बच्चों को बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है इसमें, तो मुझे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए ना मैं इसको पूरा का पूरा एक ही साथ आपको जो है सेकंड लेक्चर में करा देता हूँ। पूरा लेक्चर जो है लगभग 15-20 मिनट के 4-5 सवाल इसके ऊपर हम कर लेंगे, देशांतर ज्ञात कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, जब भी कभी बात करते हैं हम देशांतर की, तो भाई राजस्थान ये जो इंडिया कितना है 85.5, सबसे पहले लौट करके किस पे आ जाओ, 0 डिग्री पे आ जाओ। और आप ये हमेशा ध्यान रख लेना, 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं और 15 डिग्री में होता है 1 घंटा, ठीक है। इधर की तरफ जब 0 डिग्री से इधर की तरफ जाओगे पूर्व की तरफ तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो समय घटेगा, ठीक है। ये बस इतना आपने ध्यान रख लेना, ये बस 4 बातें, तो आप कहीं का भी समय निकाल लोगे, तो ठीक है। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं,
अगले वाले लेक्चर में आगे का मैं डिस्कस कराऊंगा, और अगला वाला जो लेक्चर है वो प्रॉपर सिर्फ क्लास ही क्लास होगी, उसमें कोई भी जो है कोई भी स्टेटमेंट फालतू के नहीं होंगे, ठीक है? तो आज बस इतना ही कर लेते हैं, थैंक यू।